गरीबी को कागज पर उतार कर मत देखिए, अक्सर अमीर बन जाते हैं हर एक नेता दो कौड़ी का नेता जिनका एजुकेशन का खुद कुछ पता नहीं है। ठीक है, यह कैसा देश है जहां दर्द नहीं दर्द का तस्वीर खरीद लेते हैं लोग, गरीब के नाम पर जिंदगी भर पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, और जिन नेता को किताब कॉपी एजुकेशन का मतलब भी नहीं पता है वो अपने अंडर में आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर से काम करवाते हैं। ऐसे तो हमारा देश है, कागज पर बहुत सारा पैसा पास कर दिया जाता है, इतना देंगे, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ना आज देख लो, देश में हर एक गरीब भूखा सो रहा है, ये सच्चाई है। और यहाँ पर पॉलिटिक्स मत करना, सच्चाई बता रहा हूँ। जिस दिन अपने ऊपर बीतेगी ना, जिस दिन अपने घर के लोग रोड पर आ जाएंगे ना, उस दिन समझ में आएगा हकीकत। क्लास को स्टार्ट करूंगा और उससे पहले बोलूंगा, शाम को 6 बजे मैथ का प्रतिशत का 8वां पार्ट का वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास नहीं मिलेगा, प्रीमियर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो साइक्लोन है अम्फन, वो आप सभी का पश्चिम बंगाल उड़ीसा में हिट करने वाला है आज के दिन। तो हो सकता है नेट वगैरह ना पकड़े या प्रॉब्लम करे, लाइट ना हो, बहुत कुछ पॉसिबल है, इसीलिए मैं प्रीमियर लगा दिया हूँ। ठीक है ना, तो शाम को 6 बजे टाइम पर आपको वो वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 16 से 20 मई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। और एक बात मैं आपको बोल दूं, आप हमारे एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98, उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले 1 साल तक हर एक एग्ज़ाम का 20 से 25 सेट आप सभी दे पाओगे। ठीक है, और आज का पहला प्रश्न है, सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट्स वेंडर के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा कितनी दी है केंद्र सरकार ने, जितने भी स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए। अभी जो पैकेज का घोषणा हुआ ना कि इनको इतना दिया जाएगा सरकार का, अब देखो बोलने में क्या जाता है, लेकिन सही मायने में मिले तो ना, बहुत हो गया गरीब के नाम पर पॉलिटिक्स, अब गरीब देश का हंसता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है ना, कलेजा हिल जा रहा है यार वीडियो देख देख कर। मिडिल क्लास फैमिली घर में बैठकर बस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये नहीं वो नहीं, लेकिन एक बार गरीब बनकर देखना कितना कष्ट होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स करना आसान है। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितना घोषणा किया गया है, तो वो किया गया है आपका 5000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष की घोषणा कितनी की गई है, घोषणा तो वो की गई है आपका कितना, तो ये भी याद रखिएगा 30,000 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने अपनी पहली किस्त में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है, तो कितना, 3100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका ए। सब पैसे का खेल है साहब, यहां पर पीएम केयर फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन, यानी वैक्सीन बनाने के लिए देश कितना आगे काम करेगा, क्या खर्चा आएगा उसके लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है, तो 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। सारा डाटा याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितना आपातकालीन सहायता का लोन दिया है, तो $1 बिलियन का, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, आप सभी को पता है रेलवे ने जो है वो जितने तारीख तक टिकट बुक था वो कैंसिल करा दिया है, कब तक का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से पढ़ लेते हैं। रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को कब तक रद्द कर दिया है, तो 30 जून तक, यानी 30 जून तक जिनके भी टिकट बुक थे ना उनका टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है ना, अब जो भी पैसा लगा था वो पैसा उनको रिफंड आ जाएगा कुछ चार्ज कटने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंकिंग याद रखना। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है आपका 74, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया टॉप शीर्ष पर कौन सा देश है, तो शीर्ष पर है आपका स्वीडन। स्वीडन का राजधानी क्या है, स्टॉकहोल्म।
और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वीडिश क्रोना, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या, स्टीफन लोफेन, ठीक है। और क्लास थोड़ा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि 5 दिन का कवर करना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं 26 से 27 मिनट के अंदर सारे 5 दिन का फटाफट क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर, यहां पर आत्मनिर्भर होगा, ट्रांसलेट सही से कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत जितने भी MSME यानी आप बोल सकते हो माइक्रो फूड इंटरप्राइज यानी सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है, तो वो कितना किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, सरकार के विशेष आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है, 500 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर सी। सरकार ने फार्म गेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना धन आवंटित किया है, यह आपको बताना है, तो वो कितना किया गया है, 1,00,000 करोड़ रुपए, और अभी 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, कितना, 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार बोल रही है, और देश के जो मीडिया है, मीडिया वो भी बोल रही है जीडीपी का 10% जो है वो सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। पहले तो मीडिया या लोगों को समझा दो, आर्थिक सहायता और लोन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आर्थिक सहायता का मतलब ये नहीं कि लोन देना, दूसरी बात, 20,00,000 करोड़ में 6,00,000 करोड़ वो चीज है जो 19 और 20 में ऑलरेडी बजट में था, ठीक है, प्लस 11,00,000 करोड़ जो है वो बैंक लोन देगी, ठीक है, तो वो बैंक, सरकार बैंक को कितना पैसा देती है ये आप सभी जानते हैं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पूरा थ्योरी तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्चुअल में आप नॉर्मल समझ लो, बहुत रेयर केस में बैंक को सरकार पैसा देती है, बैंक ही पैसा सरकार को देती है, उल्टा अगर उनके पास फंड ज्यादा हो गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लेता है, उसके बदले में इंटरेस्ट देता है, तो 11,00,000 करोड़ लोन तो बैंक देगा, सरकार नहीं देगी, केंद्र नहीं देगा। दूसरा, 6,00,000 करोड़ जो था वो जो घोषणा किया गया 20,00,000 करोड़ के अंदर, वो 19 और 20 का बजट है। तीसरा, आर्थिक पैकेज का मतलब ये नहीं होता है कि लोन देना। अब यहां पर बहुत जन डिसलाइक मार सकते हैं, मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई बात करो, यहां पर अब सच्चाई के साथ आपको चलना है, सोचना पड़ेगा, एकदम जेन्युइन पढ़े लिखे पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर गरीब बहुत रो रहे हैं, कलेजा हिल जा रहा है यार वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, गरीबों का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक बार गरीब बनकर देख लेना वहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्न मध्य आय वर्गों के लिए यानी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सहायता के लिए किस राज्य ने, यहां पर आत्मनिर्भर कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको पीडीएफ में मैं सही कर दूंगा, आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है, यह योजना किसने स्टार्ट किया है, तो यह योजना स्टार्ट किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, 2,00,000 वहां के लोगों को पैसा दिया जाएगा 1,000 रुपए कर। सीएम कौन है, विजय रूपानी, राज्यपाल गुजरात के कौन है, आचार्य देवव्रत, कैपिटल तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन ने के प्रमुख जे थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्टो एजेवेडो, इन्होंने जल्द ही अपने पद छोड़ने का फैसला किया है। अब इतना महामारी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो हर एक संगठन हिला हुआ है, यह किस संगठन के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, जिन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है, तो WTO, विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेबेस्टियन वेंटल, आप सभी को पता है गाड़ी चलाते हैं, कार रेसिंग गेम फॉर्मूला वन बहुत पॉपुलर नेम है उस कार रेसिंग गेम का, आपको बताना है सेबेस्टियन वेंटल ने इस वर्ष के विलंबित सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक F1 टीम को छोड़ने का फैसला किया है। तो आप सभी को पता है सेबेस्टियन वेंटल जो है वो फरारी के टीम के थे, लेकिन अब ये टीम छोड़ने का फैसला कर लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तो पर यानी जितने भी कोस्ट हैं
वहां पर धमाका होने वाला है। आप सभी को पता है चक्रवात आ रहा है ना, उस चक्रवात उस साइक्लोन का नाम क्या है, तो उसका नाम दिया गया आपका अम्फान, ऑप्शन नंबर आपका बी। इसी वजह से आज 20 तारीख के आज ही आने का तो बात चल रहा है, इसीलिए मैंने शाम को 6 बजे प्रीमियर क्लास लगा दिया है मैथ का, ताकि क्लास जो है वो मिस ना हो और आप सभी देख पाओ, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्र पुरस्कार विजेता, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं ये, नाम क्या है इनके और ये क्या है, यह निर्देशक है, इनका नाम है रत्नाकर मटकरी, बहुत बड़ा नाम। इनका निधन 17 मई 2020 को हो चुका है और यह और इनका निधन जो है वो कोरोना वायरस महामारी यानी COVID-19 पैंडेमिक के वजह से हुआ है। आपको क्वेश्चन में यह बताना है इनका निम्न में से किस राज्य से यह संबंध है, यानी यह कहां के रहने वाले थे, किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो यह जुड़े हुए थे आपका महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर आपका बी। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी है COVID-19 रोगियों को टीवी सेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब यहां पर क्वेश्चन समझ लेना, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बहुत सारे लोग जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो COVID-19 से संक्रमित है या जो भी लोग क्वारंटाइन है, अब उनको जो है वो टीवी की दी जा रही है सुविधा, ताकि वो देख पाए, बोर ना हो हॉस्पिटल में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके माध्यम से लोग उन पर नजर भी रख पाए, तो एक अच्छी पहल बोल सकते हैं। और ये किसने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। वहां के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करें गवर्नर तो कौन है, लालजी टंडन, और कैपिटल तो वो है आपका भोपाल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका की निजी कंपनी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने 6600 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है, कहां पर, इंडिया के किस कंपनी में 6600 करोड़ यानी 6600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करेगी कौन, अमेरिका की कंपनी जिसका नाम क्या है, जनरल अटलांटिक, और ये निवेश करेगी आपका रिलायंस जियो में, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व की पहली बड़ी फुटबॉल लीग ने अपने सीजन की जो है वो शुरुआत कर दी है, यानी फुटबॉल गेम स्टार्ट हो गया है बिना पब्लिक का, ठीक है, और लॉकडाउन में स्टार्ट किया गया है। आपको बताना है यह कहां पर स्टार्ट हुआ है, किस देश में, तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर आपका डी। 16 मई से गेम स्टार्ट हो चुका है, वाह, और कैपिटल बर्लिन है जर्मनी का। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं वहां पर यूरो। और अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है जर्मनी का, तो वो है आपके फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है यह लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, और इस योजना के अंदर किस चीज पर नजर रखा गया है विशेष रूप से, जो भी नुकसान हुआ है COVID-19 के वजह से उसकी पूरी भरपाई जो है किसानों का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करेगी इस योजना के तहत, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उके। अगर बात करें वहां के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, और अगर बात करें कैपिटल तो वो क्या है आपका रायपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य में स्थानीय स्तर पर एक अधिवित्तीय वाहन जिसका नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया संजीवनी, विकसित किया गया ताकि जो भी COVID-19 के संक्रमण या उनके अंदर जो भी सिम्टम है, मान लो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि उनको COVID-19 है कि नहीं है, उनका पूरा जांच किया जाएगा बिना उनके संपर्क में आए हुए, एक ऐसा व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है। आपके लिए मैंने फोटो भी लगाया है, देख रहे हैं ना, यहां पर COVID-19 यूनिक व्हीकल संजीवनी जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये क्या होगा, इसमें जो भी डॉक्टर स्टाफ जो भी किट्स है ना वो दूर से ही लोगों को टेस्ट कर लेगी कि उसके अंदर ये बीमारी है कि नहीं है,
ठीक है ना। और ये लॉन्च करने वाली कौन सरकार है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में बता चुका हूं आप सभी को ऑलरेडी, तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, IAMAI के अध्ययन के अनुसार इंटरनेट की पहुंच के मामले में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की प्रदेश को जो है वो शीर्ष स्थान दिया गया है, यानी सबसे तेजी से हर एक जगह इंटरनेट पहुंचा है किस राज्य में, तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका बी। और दूसरे नंबर पर केरला है, ठीक है ना, पहले पर दिल्ली और दूसरे पर केरला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CMIE के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार COVID-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी के बीच बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है, 27.11%, जो बहुत बड़ा है। अनुमान तो लगाया जा रहा है 10 से 20 करोड़ जॉब जाने वाला है इंडिया में, सोचो क्या कंडीशन होगा देश का। इसीलिए मैं बोलता हूं वोट दिए हैं तो बात करिए शिक्षा को लेकर, बात करिए हॉस्पिटल को लेकर, बात करिए जॉब को लेकर। अब हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेट करेंगे तो अगर जॉब जाएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम कर घर चला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई मिशन का नाम बताना है। सभी जानते हैं मीडिया बहुत जोरों शोरों से प्रमोशन कर रही है वंदे भारत, अमीर लोग तो आ जा रहे हैं आराम से, गरीब लोग नहीं पहुंच पा रहे, यही तो मेन प्रॉब्लम है, यही तो मेन गढ़ है, जो भारत के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ गरीब का है, किसी भी राज्य में, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, या पूरा भारत हो, मैंने एक ही बात बोल दिया, भारत के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ गरीब का होता है और आज वही रोड पर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान किस देश के लिए आपातकालीन वित्त पोषण में 18 बिलियन की मंजूरी दी है, कितने देशों को, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा $18 बिलियन की सहायता किया गया है, कितने देशों को, तो 50 देशों को, ऑप्शन नंबर आपका डी। और पहला प्रश्न जो है आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है IMF के हेड कौन है, IMF का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, और IMF का जो गठन हुआ था वो गठन कब हुआ है, ये आपको बताना है। यानी तीन चीज आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है, आपको यह बताना है, तो वो है आपका 0%, क्या बोलूं, कितना, 0% इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा है 2020 के लिए JCB पुरस्कार देने के लिए 5 सदस्य जूरी जो है ना उसका प्रमुख होगा। कहने का मतलब है जो JCB प्राइस दिया जाएगा ना साहित्य के मामले में 2020 का, यह प्राइस दिया जाएगा जिस संगठन के द्वारा इसके लिए 5 टीम का गठन किया गया है, उस 5 टीम का हेड कौन है जो डिसाइड करेगा, तो उनका नाम है आपका लीला सैमसन, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिनको क्या एडिटेक कंपनी ELSA कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो अजिंक्य रहाणे को आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, जापान ब्रोकरेज नोमुरा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कितना प्रतिशत रहने वाला है वित्त वर्ष 2021 में, तो जापान की जो ब्रोकरेज कंपनी है ना नोमुरा, उनके अनुसार भारत का जो अर्थव्यवस्था का दर रहने वाला है वित्त वर्ष 2021 में वो रहने वाला है 0.4%, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने
कोविड-19 संकट से निपटने और देश में आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कितने मिलियन का लोन देगी? तो कितना? $400 मिलियन का, ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ जो है वो डील साइन की है? आपको बताना है। तो यह डील साइन किया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा, यानी जो अब इंडिया पोस्ट है ना, जितने भी टेस्टिंग किट है जिससे कोरोना वायरस का पता लग पा रहा है, वो 200 लैब तक पहुंचाएगी। कौन पहुंचाएगा? तो इंडिया पोस्ट, यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया पोस्ट के साथ डील साइन किया है ताकि जितने भी टेस्टिंग किट्स है देश के 200 लैब में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना, नौसेना और तट रक्षक से संबंधित 37 वायु ठिकानों को आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ कितने करोड़ रुपए का डील किया है? तो 1200 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस कंपनी ने डोमिनोज और जोमेटो के साथ गठजोड़ किया है ताकि जितने भी कस्टमर है, जितने भी ग्राहक है, उनकी जरूरतों की सामान जो है उन तक पहुंच पाए? यानी डोमिनोज और जोमेटो जो है वो दोनों मिलकर जितने भी ग्राहक है उनकी जरूरत की सामान उन तक पहुंचाई जाएगी, और उन्होंने डील जो है वो किसके साथ साइन किया है? तो उन्होंने डील साइन किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी, इनके साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, शंकर वासुदेवन जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? और इनका निधन भी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। तो यह बहुत फेमस इतिहासकार थे, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक, यानी मैं बार बार बताता हूं, कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के लिए मद्देनजर अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोबारा लाने के उपाय के लिए RBI के पूर्व और सबसे बेहतरीन पर्सन इकोनॉमिस्ट मामले में रघुराम राजन के तहत एक पैनल का गठन किया है? तो यह डील साइन किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, और बहुत काबिल आप बोल सकते हो यह क्या है, इकोनॉमिस्ट है। इनको IMF, यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन के सरकार ने कितने मंथ के लिए, 4 महीने 5 महीने के लिए सभी ने इनको रखा है ताकि वहां पर इकोनॉमी जो है वो सुधर पाए। और देश क्यों, हमारा देश क्यों नहीं रख सकती मनमोहन सिंह जी को, इनको कम से कम पॉलिटिक्स को साइड कर जो जो काबिल लोग हैं उनको तो कम से कम टीम में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर किसी पार्टी को नहीं बचाना है, देश को बचाना है। तो अब तो न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा इस समय कम से कम। ठीक है, तो रंगराजन ये जो है इनके साथ डील साइन हुआ है आपका किसका, तो तमिलनाडु राज्य सरकार का। और तमिलनाडु के CM कौन है? इडापड़ी के पलनीस्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल कार खरीदना है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लॉन्च किया है? यानी अगर आपको अब गाड़ी उड़ी लेना है ना कारोर, तो अब आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अब देखो सेल तो करना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक पड़ा हुआ है और अब लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, यहां पर लोगों को जरूरत की सामान नहीं मिल पा रही है, तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो महिंद्रा ने ये सोचा है कि अब ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं और आपको घर पर कार जो है वो देकर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निरंतर बत्रा का कार्यकाल, जो कार्यकाल है वो किस वर्ष तक बढ़ाया गया है, आपको यह बताना है। तो नरेंद्र बात्रा का जो है वो टर्म 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2021 तक यह अपने पद पर जो है वो बने रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की जीवनी के ऊपर एक किताब लिखा गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका फाइंडिंग फ्रीडम। यह किसने लिखा है यह आपको बताना है। और यह किताब लिखा गया है आपका ओमेंट स्कॉबी और कैरोलिन डुरंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका
बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वधान की नई किताब जिसका नाम क्या है, फियर ऑफ गॉड, जो भ्रष्टाचार के ऊपर है एक्चुअल में, इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? तो जो पब्लिश करेगा यह बुक वो कौन करेगा? तो वो करेगा आपका ट्री सेट बुक, ऑप्शन नंबर डी, यानी यह कंपनी जो है वो पब्लिश करेगी। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? प्रधान के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक आधारित परीक्षण किट का नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका नाम दिया गया कोविड कवच, ELISA, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने, गूगल क्लाउड भारत के VP यानी वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह आपको बताना है, उप अध्यक्ष। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिल बंसाली, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय COVID-19 वैक्सीन तैयार की है? यानी यहां पर तैयार नहीं हुआ है, यानी जो है ISMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ना, ये कंपनी और भारत बायोटेक, ये कंपनी या दोनों कंपनी मिलकर जो है अब जो भी वैक्सीन आएगा ना उसके ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दी है? यानी $500 मिलियन का एशियाई विकास बैंक के द्वारा सहायता किया जाएगा किस देश को? तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर बात करूं वहां पर एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को पता है मासाटिसुगु आसाकावा। गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। अगर बात करूं मैं हेडक्वार्टर क्या है एशियाई विकास बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो आप सभी क्या बोलेंगे? मंडलुयोंग, जो फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब से कब का? तो 16 से लेकर 20 तारीख का। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा था, मैं जल्दी जल्दी क्लास करवाया हूं ताकि 20 से 25 मिनट के अंदर क्लास पूरा जो है वो कवर कर लूं। 20 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं है जो क्लास कवर हो पाए। और एक बात, जो भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और शाम को 6 बजे मैथ का क्लास का 8वां पार्ट प्रीमियर मिलेगा आप सभी को। ठीक है ना, सो अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।